हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम और आज हमारी क्लास नंबर 11। जी हाँ, सबसे बड़ा टॉपिक हमने क्लास 10 में अपने पास कवर अप कर लिया था। क्लास 11 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। गाइस, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 मार्क्स के लिए, 6 का तो नहीं बट 4 के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए डिफरेंस क्या है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास नंबर 10 में पढ़ा था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले मीनिंग ध्यान देना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों होता था? जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? तो देखिए, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, ध्यान देना, अपनी खुद की प्राइस, अदर फैक्टर नहीं, प्राइस, व्हेन अदर फैक्टर विल रिमेन सेम, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। या तो हमने पढ़ा था अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड, दो टाइप्स होते हैं, प्राइस और अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आए तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और आप जानते हो प्राइस में हमारी बेसिक एजम्पशन क्या होती है कि हमारे पास अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। सिर्फ चेंज किसमें आएगा, प्राइस में। और अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में भी चेंज आएगा, और जब डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम नाम देते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? जानते हुए आप लोग कि जब भी डिमांड में चेंज आता है थ्रू प्राइस, तो उस केस में डिमांड कर मूव करते हैं। मूव का मतलब मैं यहां कर रहा हूं सेम मूवमेंट, दिस वन डायरेक्शन चेंज बट पोजिशन सेम। तो इसमें मूवमेंट होता है डिमांड कर में। अब मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है, मूवमेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, राइट? टाइप्स ऑफ डिमांड, इस केस में एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज आता है तो वो चेंज एक्सपेंशन इन डिमांड के थ्रू आता है और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड के थ्रू आता है। और आप देख लो, ऊपर हमने बात की थी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, तो देखो एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और एक अपवर्ड मूवमेंट होता है। आप समझ गए हो कि डाउनवर्ड मूवमेंट किसमें होता है, एक्सपेंशन, यानी ये वाला जो केस है ये किसमें पाया जाता है, एक्सपेंशन में, और ये वाला केस किसमें पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्शन में। नहीं समझ रही, क्लास नंबर 10 दोबारा से देखना, उसमें पूरी डिस्कशन किया गया है इस पर, राइट? तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड होता है अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। जी हाँ, अगर आपके अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसे हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आए तो डिमांड में जो चेंज आया उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और हमारी बेसिक अजम्पशन क्या रहेगी कि इस केस में प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट? व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर व्हेन प्राइस विल रिमेन सेम इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। आप देख लो, अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है बट प्राइस विल रिमेन सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, राइट? चेंज इन डिमांड की वजह से शिफ्टिंग होता है डिमांड कर्व में, और शिफ्टिंग या तो राइट वर्ड होगा या लेफ्ट वर्ड होगा। तो आप देख लो, ये है राइट वर्ड और ये लेफ्ट वर्ड, हमारा मेन डिमांड कर्व है। अगर वो आगे की ओर खिसक रहा है राइट वर्ड शिफ्टिंग, और अगर वो पीछे की ओर खिसक रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग, जो दो चीजों की वजह से होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो गाइस, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, देन इफेक्ट, देन टाइप्स, देन डायग्राम। अगर आपको और क्वेश्चन बड़ा करना है, आपको लगता है कि नहीं अभी हमें और लिखना है इसमें, वैसे जरूरत नहीं, इट्स इनफ फॉर 4 मार्क्स, बट स्टिल इफ यू वांट कि आप इसमें और लिखना चाहो तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हो साथ में, साथ में विद शेड्यूल, जैसे हमने क्लास 10 में किया था अपने पास, ठीक है? तो ये था हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इंक्रीज करते हैं, और दूसरा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को डिक्रीज करते हैं, राइट? तो आज हम उस टॉपिक की भी बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लेना, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर जिंदाबाद भाई पूछते रहना। तो देखिए, फैक्टर्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर हैं
जिनसे डिमांड हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पहला फैक्टर आप जानते हो PXPRYTA, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटिव गुड्स दो टाइप के होते हैं ना। तो हम ये लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके लिए एग्जांपल देखना, टी और कॉफी, टी के प्राइस टी की डिमांड, कॉफी की प्राइस कॉफी की डिमांड। इस तरीके से टी 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया, तो क्या लगता है जो 200 का बिकती थी अब क्या 200 बिकेंगी? नहीं, उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ही चाय के रेट बढ़े, चाय की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। बट उसका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स था जो क्या था, कॉफी। कॉफी के रेट पहले भी 20 थे और आज भी 20 है, बट स्टिल कॉफी की डिमांड 100 से बढ़कर क्या हो गई है, 200। कॉफी वाला सोचा है मेरी डिमांड इससे होगी, शायद मैं कॉफी अच्छी बनाता हूँ, तो आंसर इज नो, वो कॉफी वैसी घटिया बनाता है जैसे वो पहले बनाता था। बट फर्क इतना है कि उसके सामने जो कॉम्पिटिटर चाय बनाया करता था उससे अपने चाय के रेट बढ़ा दिए। तो जब चाय के रेट बढ़ाएंगे तो बहुत से कंज्यूमर जो पहले चाय पिया करते थे अब वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी की ओर, और कॉफी की डिमांड को बढ़ा देंगे सेम प्राइस पर, याद रखना सेम प्राइस पर। और याद करो जो मैंने आपको बताया था अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो यही वो चीज है, डिमांड में चेंज आया बट प्राइस में चेंज नहीं आया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। समझ में आया? नंबर टू, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री में मैं एग्जांपल लेता हूं पेट्रोल और कार का। पेट्रोल की प्राइस पेट्रोल का डिमांड, कार की प्राइस कार का डिमांड। पेट्रोल था पहले 50 रुपए लीटर, तब आप 20 लीटर पेट्रोल भरवाया करते थे। पेट्रोल की प्राइस अचानक से कम हो गए 40 रुपीज। अब आप बताओ पेट्रोल की प्राइस अगर कम होंगे तो आप पेट्रोल की डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, 30 लीटर आप पेट्रोल फिल करवाने लगोगे। कार उन दिनों 5 लाख की थी, तब आप 2 कारें खरीदते थे, 2 कार्स। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस कम हुए तो कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कार के प्राइस तो अभी भी उतरे हैं, बट पेट्रोल सस्ता होने की वजह से कारों की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि कार को चलाने की जिस चीज की हमें जरूरत है वो चीज क्या हो चुकी है, अब हमारे लिए सस्ती हो चुकी है। इसलिए अब आप पहले से भी ज्यादा कारें खरीदोगे, जबकि कार कंपनी ये सोचती है हमारी कार की डिमांड इससे बड़ी क्योंकि हमने कार ज्यादा अच्छी बनाई, ज्यादा अच्छे फीचर दिए। जबकि माजरा ये नहीं, जबकि माजरा तो ये है कि कार को चलाने के लिए जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है यानी पेट्रोल, वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो जब पेट्रोल सस्ता हो गया तो कारों की सेम प्राइस पर डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। This is called increase in demand due to changing other factor. तो मैंने क्या बोला? Decrease in the price of complementary goods. देख लो complementary goods की price decrease हो रही है। समझ आ रही बात है? Third point. इसके बाद है increase in income of the consumer. Consumer की जो income है वो क्या हुई होगी? Increase हो गई होगी। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो चीजों की डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जब वो चीजों की सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ा देगा तो उससे क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन जनरेट होगी। समझ आ रहे? तो हम यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड में किसकी बात करें, नॉर्मल गुड्स की, क्योंकि नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। राइट, नंबर 4, इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये भी आप जानते हो, पहले मान लो कि शिखर पान मसाला में खाया करता था विद जर्दा, उसमें डाला मिला के खाया शिखर की दुनिया में। कुछ टाइम बाद मुझे किसी ने बोला कि रजनीगंधा खाओ तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। मैंने एक बार रजनीगंधा टेस्ट किया जो मुझे टेस्ट में बहुत अच्छा लगा। रजनीगंधा ने अपने प्राइसेस को रिड्यूस नहीं किए, बट
मुझे रजनीगंधा अच्छा लगने लगा, अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया, शिखर से मैं शिफ्ट हो रहा वहां पर रजनीगंधा के लिए, तो सेम प्राइस पर मैं रजनीगंधा की डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। और जैसी डिमांड मैं बढ़ाऊंगा कौन सी सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन हमारे पास जनरेट हो जाएगी। नंबर 5, इंक्रीज इन फैशन। फैशन में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर फैशन में कभी भी इंक्रीज होगा तो क्या लगता है आपको, चीजें हम पहले से ज्यादा खरीदेंगे या पहले से कम खरीदेंगे? द आंसर इज पहले से ज्यादा खरीदेंगे। कोई चीज आपकी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है जो बहुत ज्यादा खरीदी जाती है, तो भले उसके प्राइस सेम हो, प्राइस में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि वो ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि वो फ्रेश अराइवल्स में आ रही है, तो भी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो आप लोग भी करते हो, प्राइस में जितनी पहले थी आज भी उतनी, बट फैशन में है तो आप उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हो। डिमांड ज्यादा इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि उसकी प्राइस कम होगी, इसलिए ज्यादा कर रहे हो क्योंकि वो फैशन में है, राइट? तो उस टाइम उस चीज का फैशन इंक्रीज यानी बढ़ गया था। नंबर 6, साइज ऑफ पॉपुलेशन आर इंक्रीजेस। पॉपुलेशन हमारे यहां पर क्या हुई थी, बढ़ गई थी। जैसे मान लेते हैं गर्ल्स के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया में या सिटी में गर्ल्स ज्यादा हैं, तो गर्ल्स उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड क्या करेंगी, ज्यादा करेंगी। अगर मेंस ज्यादा हैं तो मेंस अपने प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर मेल फीमेल के लिए कम और ज्यादा है। यहाँ पर मैंने लिखा साइज ऑफ पॉपुलेशन आर इंक्रीजेस, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी सेम प्राइस पर, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। बट फिलहाल हम क्योंकि पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड, तो हम बात किसकी करेंगे, पॉपुलेशन के बढ़ने की करेंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, आज नहीं बढ़े हैं, आज तो प्राइस कांस्टेंट है, बावजूद इसके हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी क्योंकि हमें अंदाजा ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं आज 1 जनवरी 2019 है, एग्जाम्पल है बस, 1 जनवरी 2019 है, कल 2 जनवरी 2019 को सॉल्ट 10 रुपए महंगा होने वाला है, आपको आज पता चल रहा है, जबकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने हैं, आज तो नहीं बढ़े ना, आज तो उतरेंगे, आप क्या करोगे, भागे भागे जाओगे और जितना भी सॉल्ट मार्केट में रखा हो उसका स्टॉक अपने पास घर में ले आओगे, क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर में महंगा होने वाला है। सॉल्ट मान लो मैं बेचता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरा सॉल्ट आज इतना सारा सेल हो गया, क्या मेरा सॉल्ट ज्यादा अच्छा है, देश का नमक है, नहीं, देश का नमक तो है बट क्या है डिमांड के बढ़ने का रीजन, कि कल को वो चीज महंगी होने वाली है, तो आज सेम प्राइस पर मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, ज्यादा कर दी। तो यानी अगर किसी चीज की प्राइस पता चल जाए फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो आज सेम प्राइस पर जब चेंज नहीं हुआ तो भी आप डिमांड को बढ़ा दोगे, जिसके चलते डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चेंज इन वेदर, मौसम में बदलाव, सीजन में बदलाव, सीजनल चेंज, तो सीजनल चेंज वगैरह के अकॉर्डिंग भी डिमांड कम और ज्यादा होती है। हो सकता है विंटर्स का सीजन आने वाला हो, इसलिए विंटर्स के अराइवल की डिमांड क्या हो गई हो, ज्यादा बढ़ गई हो। तो ये सारे हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिनके चलते हम बोल सकते हैं कि हमारी डिमांड इन इन चीजों की वजह से इंक्रीज हुई, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था। याद रखना इन सब के अंदर हमारी बेसिक असम्पशन क्या रहेगी, प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट, प्राइस में चेंज नहीं आया, चेंज सिर्फ किस में आया, अदर फैक्टर्स में। आप यहां देख लो, यहां प्राइस में चेंज नहीं आया, सेम है, यहां भी प्राइस में चेंज नहीं आया, यहां पर इनकम बढ़ी बट प्राइस में चेंज नहीं आया, टेस्ट चेंज हुआ बट प्राइस चेंज नहीं हुआ, फैशन में चेंज है प्राइस में चेंज नहीं आया, पॉपुलेशन बढ़ी प्राइस में चेंज नहीं आया, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी लेकिन करंट टाइम में प्राइस में चेंज नहीं आया, वेदर सीजन में चेंज आया बट प्राइस में चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज इसमें आया अदर फैक्टर्स में। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज होता था। नंबर 1, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन फैशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंक्रीज इन प्राइस, चेंज इन वेदर और सीजन, राइट? आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मूव ऑन करते हैं फैक्टर्स
of decrease in demand. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिक्रीज करते हैं. अब तो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया. अगर आपको ये चीज याद है तो वो चीज अल्टीमेटली याद हो जाएगी. जस्ट अपोजिट कर दो. यहां क्या लिखा है, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वहां लिख दो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. यहां पर लिखा है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां पर लिख दो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देख लो जस्ट अपोजिट कर रहा हूं. यहां पर लिखा है इंक्रीज इन इनकम, वहां लिख दो डिक्रीज इन इनकम, क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या करेगा, वो कम करेगा. नंबर थ्री, डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नंबर फोर, यहां पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में इंक्रीमेंट हो रही थी, वहां जाके क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड है तो डिक्रीमेंट कर देंगे, डिक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. नंबर फाइव, यहां था इंक्रीज इन फैशन, वहां लिखेंगे डिक्रीज इन फैशन, फैशन में कमी आ गई है जिसके चलते हमने डिमांड क्या कर दी है, कम कर दिए, डिक्रीज इन फैशन. नंबर सिक्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन आर इंक्रीजेस, उसमें लिखेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन आर डिक्रीजेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन आर डिक्लाइन या फिर डिक्रीजेस. पॉपुलेशन कम होने की वजह से भी हमारे पास डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसके बाद सेवेंथ, यहां लिखा हुआ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, वहां लिखेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहां क्या था इंक्रीज, तो यहां पर आएगा डिक्रीज इन प्राइस. इसके बाद चेंज इन वेदर एंड सीजन, वो भी वहां पे सेम रहेगा, चेंज इन वेदर और सीजन. तो इसमें भी चेंज आने के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज आता है. जैसे समर का सीजन आने वाला है तो विंटर्स वाले प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. विंटर्स आने वाले तो समर्स के अराइवल्स क्या हो जाएंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी. प्राइस सेम रहेगी बट डिमांड फिर भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी. तो ये सारे पॉइंट थे. सेम चीज यहां भी लॉजिक लगेंगे, यहां भी हम क्या बोलेंगे कि प्राइस विल रिमेन सेम, यहां प्राइस सेम रहेगी, बस चेंज किसमें आया है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स में चेंज आया है, राइट. तो ये थे फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड और ये है फैक्टर्स ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड. आज जाके हमारे पास डिमांड के सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं और डिमांड फुल फ्लेश तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो जाए. बनाने को तो मैं एक वीडियो और अभी बना सकता हूँ आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ डिमांड पे. तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ डिमांड भी कर लेते हैं, तो जाके हमारे पास ये पूरी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं. सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे देते रहना, ठीक है. थैंक यू सो मच एंड आज के लिए पीस आउट.